Guys, myself Yogin Sharma, welcomes you again in my Fear English class channel. तो आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ाऊंगा. पिछले वीडियो तक मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस बता चुका हूं मैं. अब मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूस बताने जा रहा हूं. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, कंटिन्यूस की सीरीज में चल रहा है और होता क्या है ये. सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं कि इस टेंस के जो भी हिंदी वाक्य होते हैं उनकी जो वर्ब होती है उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहता होगा, रहती होगी, रहते होंगे आदि शब्द आते हैं. ठीक है, जो पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहता होगा, रहती होगी, रहते होंगे, ये शब्द आते हैं. इनको देखो तुरंत पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है. इसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो विल बी और सेल बी. देखिए प्रत्येक टेंस में जो फ्यूचर होता है उसमें हर टेंस में, प्रत्येक फ्यूचर टेंस में सेल और विल आता है. अब मैं आपको यहीं ब्रीफ कर देता हूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है उसमें सेल विल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में सेल के साथ और विल के साथ बी लग जाती है, और आगे जब हम परफेक्ट पढ़ेंगे तो उसके साथ हैव लगेगा, और फिर आगे परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो फिर हैव बीन लग जाएगा. तो यहाँ पर सेल बी और विल बी होती है. अब इसके रूल्स क्या होते हैं, आई और वी के साथ हम सेल बी लगाते हैं, अदर्स के साथ, अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ विल भी लगाते हैं. इसमें नंबर का कोई चक्कर नहीं है, सिंगुलर नंबर का है, प्लूरल नंबर का है, कुछ नहीं. आई और वी के साथ सेल और अदर्स के साथ विल. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगा दिया, और कल के लिए लगाते हैं टुमारो. अब सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, हाँ, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और द एंड देन अदर वर्ड्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए इसका, हम इस मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे. तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया वी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दी सेल बी, उसके बाद में वर्ब खेलना, खेल रहे होंगे, इसकी इंग्लिश प्ले, और उसमें आईएनजी लगा दिया प्लेइंग. क्रिकेट, क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट. और फिर अदर वर्ड्स, मैदान में, इस मैदान में, अदर वर्ड्स हो गया इस मैदान में, इन दिस फील्ड, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इन दिस फील्ड. ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ. अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों मैंने बताया था कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ क्यों नहीं ऐसा, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पर कंबाइंड है ये, और कंबाइंड कैसे है, विल के साथ में और सेल के साथ में बी जुड़ा हुआ है ये, हाँ, तो ये कंबाइंड है, इसलिए नॉट का प्रयोग कहां करेंगे, इनके बीच में करेंगे. जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, विल या सेल में से कुछ है, उसके बाद में नॉट लगाएंगे और फिर बी लगाएंगे, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड्स. एग्जाम्पल, मेहमान शराब नहीं पी रहे होंगे. तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया द गेस्ट्स, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी और सेल भी आएगी, लेकिन विल या सेल के बाद में नॉट लगाएंगे और बी से पहले लगाएंगे. तो गेस्ट के साथ विल आया, विल नॉट बी, बीच में लगा दिया हमने. और पीने की इंग्लिश क्या होती है, ड्रिंक, उसमें आईएनजी ड्रिंकिंग वाइन. एक और एग्जांपल लिख दिया हमने, ही विल नॉट बी गोइंग देयर, वह वहां नहीं जा रहा होगा. ही विल नॉट, बीच में आ गया ना, नॉट बी गोइंग देयर, समझ रहे हैं आप. लेट्स मूव टुवर्ड्स इंटरोगेटिव. अब इंटरोगेटिव देखते हैं, स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं, स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने, पहले सेल या विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स. बी क्यों आया है, पहले सेल या विल, क्योंकि ये दो भागों में, तो पहले सेल या विल आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बी आएगा. अब एग्जाम्पल देखते हैं, क्या शिकारी जंगली जानवरों का शिकार कर रहे होंगे. तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया. अब हेल्पिंग वर्ब का जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा है एक ही पार्ट आएगा, तो सब्जेक्ट किसका, शिकारी है, हंटर्स, क्योंकि कर रहे होंगे, बहुत सारे शिकारी हैं, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल आएगी. सेल क्यों नहीं आई, क्योंकि सेल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है. ठीक है, उसके बाद फिर हमने बी लगाया, फिर शिकार करने की अंग्रेजी हंट होती है, उसमें आईएनजी लगा दिया हंटिंग, हंटिंग द वाइल्ड बीट्स, जंगली जानवर. तो विल द हंटर्स बी हंटिंग द वाइल्ड बीट्स. इसके बाद में
इसकी का एक नेगेटिव देखते हैं, क्या वह पार्क में नहीं खेल रही होगी, तो क्या बनेगा, क्या अंग्रेजी में लगाएंगे, विल सी नॉट बी, क्योंकि नॉट का प्रयोग जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें नॉट का प्रयोग सदैव सब्जेक्ट के बाद होता है, किसी भी टेंस में ले लीजिए, तो नॉट बी खेलने की अंग्रेजी प्ले होती है, प्ले इंग इन द पार्क। इसके बाद में सेकेंड टाइप लेते हैं, सेकेंड टाइप में पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, उसके बाद में फिर विल या सेल लगाते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद में बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स, उसके बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन हुआ। क्वेश्चन वर्ड कहाँ लगता है, क्वेश्चन वर्ड वहां लगता है जिस सेंटेंस में क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, वह तुम्हें धोखा क्यों दे रहा होगा, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे हम, क्यों, हाँ, उसके बाद में वही हेल्पिंग वर्ब एक हिस्सा पहले आएगा, वाई विल, फिर सब्जेक्ट ही बी, और धोखा देने की चीट होती है उसमें आईएनजी लगा दिया, चीटिंग यू, वाई विल ही बी चीटिंग यू, है तुम्हें धोखा क्यों दे रहा होगा, और यही हमने नेगेटिव में बनाने की कोशिश करी, और एक बोल लिखा एग्जाम्पल, वे फाइव स्टार होटल में क्यों नहीं ठहर रहे होंगे, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, वही क्यों की अंग्रेजी लगाई और वाई, हाँ, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब का हुई एक हिस्सा विल, फिर सब्जेक्ट दे, उसके बाद में नॉट बी, और फिर ठहरने की अंग्रेजी स्टे होती है उसमें आईएनजी लगा दिया, स्टेइंग इन ए फाइव स्टार होटल। तो मैं समझता हूं कि ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।